आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर। देवघर एसबीआई शाखा का ई लोकार्पण भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा के द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य में डीजीएम धनबाद श्री सोहन कुमार, एजीएम एमएमआई धनबाद श्री मनोज कुमार सिंह, देवघर आरएसपीबी आर्यन श्री पंकज कुमार झा, मुख्य प्रबंधक नवीन कुमार मेहर कुमार तथा शाखा प्रबंधक श्री प्रदीप कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के माननीय अध्यक्ष महोदय ने वेब के माध्यम से ग्राहकों को संबोधित किया। डीजीएम धनबाद श्री सोहन कुमार ने उपस्थित ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि एमएमआई के ग्राहकों को समर्पित यह शाखा देवघर जिला का पहली शाखा है, जहां ऐसे ग्राहकों के सारे बैंकिंग क्रियाकलाप एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगा। शाखा में विस्तृत सेवा प्रदान करने हेतु संबंध प्रबंधक हमेशा तत्पर रहेंगे। देवघर से पप्पू कुमार यादव की रिपोर्ट। ठीक है, आज हमारे चेयरमैन सर ई इनॉग्रेशन किए हैं 15 एसएमई ब्रांचेस का बिहार और झारखंड पर। झारखंड की 5 ब्रांचेज आज इनॉग्रेट हुई हैं उनके द्वारा, और ये एक स्पेशल ड्राइव बैंक ने चलाई है एसएमई कस्टमर्स के लिए। हमारे जो एसएमई कस्टमर्स हैं उनको एक विशेष सुविधा विशेष शाखा के द्वारा दी जा सके, इसके लिए इस तरह की एक व्यवस्था की गई है। ये केवल एसएमई कस्टमर्स को ही डील करेंगी, जिससे कि उनके जितने भी ट्रांजेक्शन करने में या उनके जो लोन होने में जल्दी होगी, और उनको सही तरह से हम गाइड कर पाएंगे जितने भी तरीके से, जिससे कि उनका बिजनेस और अच्छे ढंग से बढ़ सके। थैंक यू।